प्रियंका गांधी वाराणसी के दौरे पर हैं और प्रियंका गांधी यहां गंगा में नाव में सवार हुई और लाइफ जैकेट पहने बगैर गंगा की लहरों पर नाव की सवारी करती दिखाई दी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वाराणसी में सबसे पहले रविदास मंदिर में दर्शन किए और उसके बाद नाव के जरिए रामघाट के गुलेरिया कोठी की तरफ वो रवाना हुई। इस दौरान वाराणसी के घाटों पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हुजूम दिखा और साथ ही ये भी नजर आया कि किस तरह प्रियंका की सुरक्षा को नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रियंका गांधी को देखने के लिए गंगा में नावों का हुजूम लगा और उन नावों में लोग थे सवार। मंदिर से दर्शन करके आप देख सकते हैं गंगा के लहरों के बीच इस समय प्रियंका सुरक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच जा रही है। आप देखिए किस तरह हाथ हिलाकर अनुमोदन कर रही है, अनुमोदन कर रही है लोगों का, किस तरह हाथ हिला के लोगों का स्वागत कर रही है। गंगा के लहरों के बीच प्रियंका उन लोगों से मिल रही है। वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता है इस समय प्रियंका के साथ और उनके साथ अजय राय और सुरक्षाकर्मी भी आप देख सकते हैं। कुछ ऐसे मानक है जो मानक के विपरीत इस नाव पर सवार होकर लोग जा रहे हैं। ना ही लाइफ जैकेट पहना गया है और ना ही कुछ, वो इतना उत्साह है लोगों से मिलने का और कार्यकर्ताओं से मिलने का कि आप देख सकते हैं मानक का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया है। और प्रियंका गांधी इस समय गंगा के लहरों के बीच से होते हुए उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ यूथ छात्र हैं उनसे मिलेंगी। एनआरसी का जो लोग विरोध कर रहे थे, जो लोग बीते दिनों जेल गए थे उनसे मिलेंगी और मिलने के बाद यहाँ पर युवा कांग्रेसी कार्यकर्ता, जो बुजुर्ग कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, जो सीनियर कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, उनके बीच मिशन 2022 को लेकर जोश भरते नजर आएंगे। अपने सहयोगी महेंद्र के साथ राजनीति को R9 TV बना रहा।